सीन ये होता है कि यार जो हम लॉन्जिंग होती है ना, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें सिर्फ दो ही वजह से करते हैं, या तो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड कर रहा है या वो बंदियां कर रही हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त थे जेटिंग, उन्होंने योगा स्टार्ट किया। अच्छा, मुझे ना योगा के बारे में नहीं पता था, मतलब मैं जानता ही नहीं था, मैं सिर्फ योगा पैंट्स के बारे में जानता था यार। समझ ना बात को, हमें सारा इल्म वहां तक था, उसको पता गया ही नहीं था। तो उसने मुझे बताया भाई एक्सरसाइज होती है ये वो, मैंने कहा कद्दू यार छोड़ ना, कहीं जानी बंदी करा दी है। मैंने कहा चल ठीक है, जो बात पहले बताने की बात है बता दे। अच्छा, हमारे जहन में था कि वो जिम जाएंगे, वहां पे वेट वेट उठाएंगे, कुछ इस टाइप का था दिमाग में। तो हमने कहा पहले ताकत बना ली, हम पहले गए वही कबाब कबाब खाए, मंड मंड कबाब कबाब खाए। तो उसके बाद चाय ऑफिस, चाय भाई फिर सिगरेटे, सिगरेटे कैसे चखा चखू पीछे यहाँ तक आ गए ना सब, अब तो ताकत सी फील हो गई है, जल्दी चल इसको निकाल के आए। अच्छा, हम वहाँ पहुँचे भाई आश्रम के जो था उनका, जैसे ही मैं दाखिल हुई मैंने देखा कोई ना 50-55 साल की कोई बुजुर्ग आंटी खड़ी हुई है, दिल बैठ गया एकदम। कोई कुछ और ही गेम बना के गया था अपने दिमाग में, प्लान थे मेरे, खट्टा सा हो गया मेरे। अच्छा, मुझे देख के पहल उन्होंने एक बात की जो कि मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगी, कह रही आपकी एनर्जी कुछ अलग सी है। मुझे बड़ा अच्छा लगी ये बात पर्सनली। मैंने कहा यार ये दो कॉम्प्लीमेंट है, दो तीन खवातीन और भी दे चुकी हैं प्राइवेट टाइम्स में, वो ना तो मुझे लगा यार कुछ है, एंटी का गेम है, एंटी ने वक्त लगाया हुआ है। कहने लगी बेसिक एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, आप आसन बना लें। तो टांग पर टांग रखें, बुढ़ा को टांग बैठे, अब टांग पर टांग नहीं, हम तो फाइनल जीन्स पहन के गए हुए थे हमारी तो जहाँ तक कसी तो टांग टांग रखे। हमारे दोस्त जेडी ने भाई कमल के पीछे हाथ रखा, ये किया वो किया, अपना पैक होकर बैठ गया आंटी के सामने। आओ ना कहीं सांस ले, बाजी ले दे सांस ले दे, जो भी आपके सामने बैठे हुए लंबे लंबे गहरे गहरे अच्छा अब मैं सांस ले रहा। अब आप सोचो जरा मैं वही कबाब खा के गया, यहाँ वही कबाब रखा हुआ, ऊपर चाय की लेयर लगी हुई, बीच में पूरा सिगरेट का धुआं, पूरा एक माहौल बना हुआ, सिगरेट के भपके जा रहे हैं, धुआं ही धुआं, आई थी धुएं में बैठी निकली माल को रेंट पाकिस्तान के। अच्छा, तसव्वुफ पे भी बात हुई, ध्यान ज्ञान पे, इस पर भी उन्होंने कुछ चर्चा किया। कहले कि इंसान के 7 जन्म होते हैं। मैंने कहा ठीक है बात सुने, मैं असर की नमाज पढ़ के आया और मगरिब पढ़ के जाऊंगा। अब आपको जो कंटेंट देना है इसी रेंज में रहे, नहीं नहीं सब एक ही है ये वो कचरा बात है। कहेंगे अब मैं आपके ऊपर ना इसका पार्ट टू शुरू होगा, अमल का दूसरा हिस्सा। इसमें क्या होगा? कहेंगे मैं आपको 1-2-3 स्लीप कहूंगी, आप सो जाएंगे। ये है कुछ मैजिकल, क्योंकि हमारा तो हमें तो शौक है कोई हम पे एक्सपेरिमेंट करे, अपनी बॉडी दी थी एक्सपेरिमेंट के लिए भाई। कोई बंदा बोले रख दबा के दोष को तुम जल्दी कर दबा दबा दे, नहीं हुआ नहीं हुआ। आंटी ने क्या 1-2-3 स्लीप, हम बैठे को नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे मुझे डर लगने लगा, मैंने कहा पिस्टल ना निकाल ले, सो रहा है कि नहीं क्या करना है इस टाइप की बात। फिर मुझे ख्याल आया कि अली भाई ये तो औरत ने मिशन बना लिया अपना, ये नहीं मानेगी, आपको खुद ही सोना है, पढ़ी तो सुबह हो जाएगी यहीं पे। उन्होंने बोला स्लीप, हम पीछे चले। अच्छा पीछे गए तो हमारे जो दोस्त जेडी थे उस वक्त ना पुजारी के रोल में आ चुके थे,
उन्होंने हमें फौरन अपनी गोद में ले ली और उनकी गोद में सामने आंटी। अच्छा आप हम लौटे कहाँ लेटते हैं दूसरी गोदों में यार? अजीब अजीब गंदे ख्याल आ रहे हैं, इतने नरम पटले हैं जेठी के यार। अच्छी अच्छी कैफियत हो रही है। आंटी की आवाज़ की आंटी आँखें बंद रखें, देखें क्या है आंखों के आगे, मुझे अंधेरा सा छाया हुआ है, यानी कुछ नीला नीला आसमान दिख रहा है। अच्छा मुझे एहसास हो चुका था कि अली भाई अब ये वो जगह बन चुकी है जहाँ से अब काम करके ही निकलना पड़ेगा, अब कंटेंट करो, अब बातें करो इनसे। मैंने कहा हाँ हाँ नीला नीला आसमान है बिल्कुल सामने से, बहुत सा बना है, ये कोई दरवाजा है, मैंने कहा गोल्डन कलर का है, मैंने कहा चार हाथ आगे चलो ना इनसे, इससे पहले ये कंटेंट करें आप कर दो कंटेंट। हाँ हाँ गोल्डन कलर का दरवाजा है, कहीं खोल लो, खोल दिया, कहाँ आ गए ना अफगानिस्तान। क्या चल रहा है आप? अमीरुल मोमिनीन हूँ यहाँ पे। तालिबान नहीं क्यों लेटी खड़े हुए? कहेंगे देखो मैं भी हूँगी यहाँ पे। मैंने खौफ वॉफ में नहीं देखा इनको, पहले 40-55 साल की उनकी को अफगानिस्तान है, लेडी से पूछ सुन नहीं। अच्छा कह लेंगे यार पागल बना दिए, मैं तो ये मैं दूसरा रूप है, मैं मर्द के रूप में हूँ। मैंने कहा इसका मतलब है ये जिद्दी हो चुकी है, इनको देखना पड़ेगा। मैंने कहा एक है, एक आध दो है, कुछ लोग हैं, हमला और टाइम लग रहे हैं यहाँ पे। अच्छा पंटी ने अपने ऊपर फोकस कर लिया मुझसे हटा के ना, मुझे हट गई मेरी इस बात के ऊपर, अपने बारे में बात करी मैं क्या कर रही हूँ, क्या इरादे हैं मेरे लिए। मैंने आंखें खोल दी, मैं उठ के बैठ गया, मैंने आंटी बस बहुत हो गया, बहुत सैर हो गई। अच्छा अब ना बातें सुन, अब नन्ना वाला चेक करें, क्या कहेंगे तो कैसा था आपका स्पिरिचुअल जर्नी? कद्दू जैसा था, अफगानिस्तान गए थे, तालिबान की हुकूमत आ चुकी है, आप बता दें क्या करना है। अच्छा हम ना उनके पहले आखिरी क्लाइंट थे, वो बंद हो चुका है वो आश्रम अब, मेरे ख्याल से वहाँ मस्तूदात की जमात जाती थी बीच में।